अच्छा, कार रेंटल का जो बिजनेस है वो कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो है वो अर्निंग कर सकता है और कैसे अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकता है, उसकी एक एग्जांपल जो है ना मैं आपके सामने जो है रखता हूँ। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके जो स्टैट्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर आएँ तो हमें 22 230 सॉरी मैसेज मिले हैं, और ये टोटल हमारी जो एक मैसेज के ऊपर कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़ है, और 2400 रुपीज़ के अंदर हमें 230 मैसेज मिले। इस तरह से दूसरी कैंपेन में भी तकरीबन यही सिचुएशन है। तो अब मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए 1000 से 1500 रुपए का बजट, कोई ज़्यादा बड़ा बजट आपने स्पेंड नहीं करना है, 1000 1500 रुपए कुछ भी नहीं है, 1000 1500 रुपए का बजट आप स्पेंड करेंगे, और इसकी बेस के ऊपर आप जो है वो डेली बेस के ऊपर 7 8 कस्टमर इजीली जो है ना वो 7 8 जो बुकिंग्स हैं वो ले सकती हैं। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये कंपनी डील कर रही है, यहाँ से इनको नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल जाता है, जहाँ से जाने वाले जो लोग होते हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट के लिए जो जिन लोगों ने जाना होता है डेली बेस के ऊपर, वो भी इनको बड़ी तादाद में बुकिंग जो है वो मिल जाती हैं। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप इस फील्ड इस साइड पे जैसे ही आना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़े से बजट के अंदर बड़ी तादाद में जो कस्टमर्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कोई भी ये नहीं चाहता कि यार वो जाए घूमे फिरे और वहाँ से जाके बुकिंग्स करवाए, गाड़ी जो ना करके लेकर आए अड्डे के ऊपर जाए या किसी ऐसी जगह के ऊपर, हर कोई चाहता है ऑनलाइन बुकिंग हो जाए। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, उसके बाद जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ लेने हैं, उनको सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पोस्ट करना है, और गूगल जो आपका गूगल मैप जो आपकी लोकेशन बनी हुई होगी उसके ऊपर रिव्यू लेना लाजमी है, वहाँ पर रिव्यू लेना है, उस रिव्यू की बेस के ऊपर आपके पास जो कस्टमर होगी वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो 50% कस्टमर आपका होगा आइंदा के लिए, वो आपका गूगल मैप से ही जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने पहले ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी नहीं करवाई है तो अभी जो है ना इसको स्टार्ट करें और अपना बिजनेस जो है उसको इंक्रीज़ करें।